नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से बेशक चुनाव तारीखों का ऐलान ना किया गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है कि ये 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में जीत हासिल करते हुए नजर आएंगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ही बड़े कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी के सामने निषाद पार्टी और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने एक बड़ी मांग कर दी है। यहाँ पर मांग है कि जो 10 विधानसभा सीट हैं, उनमें से कम 2 विधानसभा सीट उनको दी जाए। इस कड़ी में देखा जाए तो यहाँ पर संजय निषाद ने भी 2 सीटों की मांग कर दी है। इसी के साथ साथ जयंत चौधरी की पार्टी द्वारा 2 सीटों की मांग की गई है, और ऐसे में ये चर्चाएं तेज हो चुकी है कि कुल मिलाकर 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से अगर 4 सीटें अपने सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी दे देती है तो कुल मिलाकर 6 सीटें ही बच जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। ऐसी स्थिति में जयंत चौधरी यहां पर जिस सीट की मांग कर रहे हैं वो बिजनौर मीरापुर विधानसभा सीट है। ये वही सीट है जो यहाँ पर जयंत चौधरी के प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव जीतते हुए नजर आए थे चंदन चौहान। उसके बाद लोकसभा का चुनाव उन्होंने बिजनौर से लड़ा और वहां से भी चुनाव लोकसभा का जीत जाते हैं। सांसद बनने के बाद अपनी विधानसभा सीट को छोड़ते हैं। ऐसे में जयंत चौधरी की मांग है कि ये सीट तो मिले, लेकिन इसके साथ साथ एक और सीट भारतीय जनता पार्टी दे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मिर्जापुर की विधानसभा सीट की मांग यहाँ पर संजय निषाद द्वारा की जा रही है। वहीं अंबेडकर नगर विधानसभा सीट की भी मांग संजय निषाद द्वारा की जा रही है, लेकिन 2 सीटों की मांग और 2 सीटों की मांग यहां पर रालोद और निषाद पार्टी का करना यह दर्शाता है कि जहां समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें ऐसी हैं जो जिताऊ मानी जाती हैं, और जिसमें समाजवादी पार्टी का दावा है कि 5 सीटें तो वो जीतेंगे, साथ ही साथ 5 और सीटों पर भी उनका दाव बड़ा पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से जो मांग उनके सहयोगी दल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ऐसी कड़ी में अब भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है? क्या अब भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती हुई नजर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अब ये 2-2 सीटें क्या सहयोगी दलों को देगी, या फिर अपने सहयोगी दलों को नाराज करती हुई नजर आएगी? अगर नाराज करती हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोकसभा चुनाव में बड़ा गठबंधन था, तो इस गठबंधन पर क्या चोट पड़ती हुई नजर आएगी? इस मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।